वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सपोनेंट्स पावर्स चैप्टर 12 के कुछ एग्जांपल्स हम लोग आज देखेंगे। पिछले वीडियो मैंने बताया था आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल्स, आज उसी पैटर्न के कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैसा एक क्वेश्चन है कि 125 रेज टू द पावर -3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 25 = 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हम लोग एक्स के वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। 125 रेज टू द पावर -3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 25 = 25, ठीक है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। 125 रेज टू द पावर -3 प्लस एक्स = 25 × 25 = 625। 125 को आप किस तरह से लिखेंगे, 5 का क्यूब, और पहले से ये पावर इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, 3 प्लस एक्स = 625 को लिखेंगे 5 रेज टू द पावर। दोनों का बेस सेम है, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। दोनों का बेस सेम है तो बेस बेस क्या हो गया, कैंसिल। -9 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 3x = 4। -4 को आप इधर शिफ्ट कर लेंगे, देन 3x = 4 प्लस 9, 9 × 4 = 13, 3x = 13, देन x = 13/3। ठीक है, इसी बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे। जैसे 3 रेज टू द पावर -3 है, इस तरह से करना आपको। अब 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3 रेज टू द पावर माइनस है तो क्या हो गया, प्लस 1/3 3 को कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 × 3 × 3 1/27। जैसे 4/3 रेज टू द पावर -3 है तो कैसे लिखेंगे हम लोग, 3/4 रेज टू द पावर प्लस 3, 3/4 × 3/4 × 3/4 4 3 का क्यूब 27/64।